नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये राम तुलसी लगाने के बारे में पूरी जानकारी। और आज हम इसको इस तुलसी के पौधे को हम इस चीनी के गमले के अंदर लगा के दिखाएंगे आपको। और इसके नीचे जो छेद है ये होना ज़रूरी है, अगर ये छेद नहीं होगा तो आपके ये पौधा चलेगा नहीं इसके अंदर। और छेद के ऊपर रखने के लिए ये टाइल रखेंगे हम। और ये तुलसी राम तुलसी है, ये देखो इसके ऊपर जो ये हरी डंडी है ये मतलब राम तुलसी है। और एक आती है श्याम तुलसी, वो काली रहती है डंडी। और ये तुलसी लगभग 12 प्रकार की आती है, कभी मौका मिलेगा तो वो 12 प्रकार की तुलसी हम आपको बताएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको लगाने के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा मैं आपको, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले इसके चीनी के गमले के नीचे जो होल होना ज़रूरी है, नहीं हो तो आपको ये ड्रिल से करना पड़ेगा। और होल के हिसाब से हम इसके नीचे पत्थर रख देंगे। और पत्थर रखने के बाद ऊपर थोड़ी मिट्टी डालेंगे धीरे से। और ये पत्थर हम इसलिए रखते हैं कि मिट्टी बाहर नहीं निकले, सिर्फ ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होता है वो छन कर नीचे निकल जाता है और मिट्टी नहीं निकलती है। और ये जो थैली है इसको हम फाड़ कर फिर अंदर रखेंगे। और इसकी जो रूट बॉल है ये टूटनी नहीं चाहिए, एक बार इसके अंदर पहले थोड़ा अच्छे से मिट्टी डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर एक बार रख के देख लेंगे, जो ये ज़्यादा अंदर गहरा भी नहीं लगाना है, अभी आसानी से आ रहा है। अभी हम ये थैली फाड़ कर हम इसके अंदर रख देंगे। इस प्रकार निकालना है इसको। और अब हम इसको अच्छे से खड़ा करके फिर मिट्टी भर देंगे अच्छे से। लगा और बहुत सारे जो तुलसी का पौधा लगाते हैं वो होल नहीं करते हैं, इसके कारण से उनके तुलसी ख़राब हो जाती है गलने के कारण से। और एक सूखने का ये भी कारण होता है कि इसको धूप में रखना पड़ता है, अगर छाया में रखेंगे तो ये तुलसी चलेगी नहीं, इसको धूप भी मिलनी ज़रूरी है, बिना धूप के ये धीरे धीरे मरने लग जाती है। और ये हमारी तुलसी लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें अच्छे से भी एक बार फुल पानी पिला देंगे, जिससे ये मिट्टी बैठनी होगी और बैठ जाएगी। और ये अब तुलसी आसानी से अच्छी चलेगी। और अब हम इसको धूप में रख देंगे, जिससे ये अच्छा चलेगा पौधा। और इसी प्रकार आप भी अपने घर पर लगा सकते हो। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलो अब मैं एक बार पानी घड़ी ले रहा पाया। धीरे 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 खाडो न पड़ना चाहिए। रात उल्टा बस इस प्रकार हम इसके अंदर अच्छा पानी डाल देंगे एक बार फुल, और जिससे ये और मिट्टी बैठनी होगी जो बैठ जाएगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को टाइम मिलेगा तो हम आपको ये तुलसी 12 प्रकार की आती है, और 12 प्रकार की जब तुलसी मिल जाएगी तो हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे तुलसी के बारे में। इसमें राम तुलसी और श्याम तुलसी और कपूर तुलसी, वन तुलसी और मेंड तुलसी और मीठी तुलसी, ऐसी मतलब इसी प्रकार 12 प्रकार की आती है। कभी हमारे पास ये 12 प्रकार की तुलसी आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।